नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 12131 दादर साई नगर शिरडी एक्सप्रेस वाया मनमाड़ के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर सूरज गुप्ता जी ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 12131 दादर साई नगर शिरडी एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन महाराष्ट्र के दादर सेंट्रल से महाराष्ट्र के साई नगर शिरडी टर्मिनस तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को दादर सेंट्रल से रात 9:45 पर चलती है। इस ट्रेन को दादर सेंट्रल से साई नगर शिरडी टर्मिनस तक के 331 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 6 घंटे का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 6 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए साई नगर शिरडी टर्मिनस पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होती है, लेकिन इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको तत्काल की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन इस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल वाली श्रेणी नहीं होती है, इसीलिए आपको वो सुविधा इस ट्रेन में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन डीजल लोकोमोटिव से चलती है दादर सेंट्रल से साई नगर शिरडी टर्मिनस तक। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं पर भी चेंज नहीं किया जाता और इस ट्रेन का लोकोमोटिव हमेशा WDM-3A होता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रिकॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 7 जनरल क्लास वाले कोच, 7 स्लीपर क्लास वाले कोच, 1 थर्ड AC क्लास वाला कोच, 1 सेकेंड AC क्लास वाला कोच इस ट्रेन के रिकॉम्पोजिशन में होता है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रिकॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है। आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रिकॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजीशन क्या होती है। ये ट्रेन दादर सेंट्रल से छूटने के आधे घंटे पहले दादर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर साई नगर शिरडी टर्मिनस पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये ट्रेन दादर सेंट्रल से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को रात 9:45 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट थाने, यहाँ पर ट्रेन रात 10:03 पर पहुँचती है और 10:05 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट कल्याण जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 10:22 पर पहुँचती है और 10:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट इगतपुरी, यहाँ पर ट्रेन रात 12:05 पर पहुँचती है और 12:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट नासिक रोड, यहाँ पर ट्रेन रात 12:52 पर पहुँचती है और 12:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवा हॉल्ट मनमाड़ जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 1:50 पर पहुँचती है और 1:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट कोपरगांव, यहाँ पर ट्रेन रात 2:59 पर पहुँचती है और 3 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 7वां और अंतिम हॉल्ट साई नगर शिरडी टर्मिनस, यहाँ पर ट्रेन रात 3:45 पर पहुँचती है। दोस्तों,
मैंने इस ट्रेन के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन रेलवेज के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।